Mute your mic, all of you. So class 5th, today's our new next chapter is chapter 12, interjection. So let's start this chapter. Interjection first, let's let's see what is what are interjections. Interjections are words used to express a strong or a sudden feeling. Strong or a sudden feeling, they are used to express sorrow, joy. एंगर और सरप्राइज ठीक है इंटरजेक्शन्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक स्ट्रोंग या फिर सडन फीलिंग स्ट्रॉन्ग मीन्स एक मजबूत और सडन फीलिंग मीन्स होता है जो अचानक अचानक आप कुछ फील करते हो उसे हम उसे हम वर्ड में वर्ड uh, के थ्रू डिफाइन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इंटरजेक्शन बोलते हैं सो दी दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं इंटरजेक्शन कहते हैं दे आर यूज टू एक्सप्रेस जॉय सौरो एंगर और सरप्राइज इन वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं खुशी जॉय खुशी सौरो दुख एंगर गुस्सा और सरप्राइज आश्चर्य ठीक है थीके? इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज़ करते हैं ठीक है इंटरजेक्शंस में स्टैंड अलोन और कैन बी यूज टू बिगिन सेंटेंस इंटरजेक्शंस को हम यूज कर सकते हैं कब कैसे इंटरजेक्शन में स्टैंड अलोन उन्हें अकेला राइट किया जा सकता है और कैन बी यूज टू बिगिन सेंटेंसेस या फिर उन्हें हम सेंटेंस स्टार्ट करने के मीन्स जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम इंटरजेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज एन इंटरजेक्शन इज फॉलोड बाई एन एक्सप्लामेशन मार्क इन राइटिंग आपने पढ़ा होगा फुल स्टॉप एक्सप्लामेशन और क्वेश्चन मार्क इन सब के बारे में कॉमा के बारे में सो एक्सप्लामेशन मार्क एक लगाते हैं हम ठीक है इट इज़ लाइक दिस ठीक है दिस मार्क वी राइट एक्सप्लामेशन मार्क हम राइट करते हैं आफ्टर द वर्ड इंटरजेक्शन ठीक है फिर आफ्टर दैट आफ्टर एन एक्सप्लामेशन मार्क कॉमा सॉरी अ न्यू सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर क्या होता है कि एक्सप्लमेशन मार्क के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से सो वाइल राइटिंग इट इन सेंटेंस जब भी हम उसे सेंटेंस में राइट करते हैं तो उससे पहले हम उस वर्ड को राइट करते हैं आफ्टर दैट वी पुट एन एक्सप्लमेशन मार्क आफ्टर द दैट इंटरजेक्शन एंड आफ्टर दैट वेन वी राइट द सेंटेंस द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटल

ठीक है सो हियर इट इज द फर्स्ट फर्स्ट वन इज हुर्रा वी हैव वॉन द मैच हु हमने मैच जीत लिया ठीक है वी वॉन द मैच ओके हुर्रा वी वॉन द मैच यहाँ पे मैच जीतने की बात हो रही है ठीक है वी वॉन द वी हैव वॉन द मैच हमने मैच जीत लिया तो इसलिए यहाँ पे क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है जॉय खुशी एक्सप्रेस की जा रही है दैट्स वाई वी हैव यूज हुर्रा ओवर हियर नेक्स्ट वन इज अलास द पुअर डॉग इज डेड अलाज द पुअर डॉग इज डेड मीन्स वो जो डॉग था वो मर गया तो उसके मरने से क्या आ, क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है सौरो, दुख एक्सप्रेस किया जा रहा है here, हमने खुशी की बात है कि उसने अच्छा अच्छा हिट किया सो so, नेक्स्ट आपका क्या है ओ वॉट मैन एक मोटे आदमी को देख के क्या बोल सकता है इंसान ओ इट इज सरप्राइजिंग ठीक है सरप्राइजिंग है तो यहाँ पे ओ का यूज किया गया है नाउ सी द वर्ड्स हुर्र ब्रेवो अलास और एंड ओ इन देंटेंसेज आर ऑल इंटरजेक्शंस तो ये जो सारे वर्ड्स दिए हुए हैं ऊपर के सेंटेंसेज में जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रेवो हुर्रा अलास ओ ये आपके क्या हैं सारे इंटरजेक्शन हैं बिकॉज दे ऑल आर शोइंग द सडन फीलिंग अचानक से जो हमें फ़ील होता है हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है दैट्स वाई दीज ऑल आर द इंटरजेक्शंस दे हैव नो ग्रामेटिकल रिलेशन विद एनी अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस इनका इन सेंटेंसेस से किसी भी तरह का ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं है ठीक है उट द इंटरजेक्शन की हम कैसे उन्हें यूज करते हैं सेंटेंसेस में नाउ हियर इन द नोट इज गिवेन ओवर इयर द इंटरजेक्शन वर्ड्स आर गिवेन ओवर ईयर यू कैन सी यहाँ पे हुर्रा ब्रेवो एलास ओ वाओ हे वेल आउच डियर हैलो हश इनक्रेडिबल ऑल दीज वर्ड्स आर गिवेन ओवर ईयर एंड वॉट वेयर वी यूज दीज वर्ड्स लेट्स स्टडी अबाउट दैट ठीक है हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि हम इन्हें कहाँ पर यूज करते हैं सो हुर्रा फर्स्ट वन इज हु इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग जॉय ठीक है जॉय मीन्स होता है खुशी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते, है? करते हैं हुज करते हैं ओके नेक्स्ट आपका क्या है ब्रैवो मेयर वी यूज ब्रैवो अब हम ब्रेवो का यूज कहाँ करते हैं ब्रेवो इज यूज टू फॉर एक्सप्रेसिंग एडमेशन एडमायरेशन ठीक है ठीक है अगर हम किसी से एडमायर हो रहे हैं ठीक है तो हम ब्रेवो का यूज करते हैं मीन्स किसी से हमें अट्रैक्शन uh, हो रहा है ठीक है तो हम ब्रेवो का यूज करते हैं नेक्स्ट इज एलास एलास इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग ग्रीफ दुख को एक्सप्रेस करने के लिए ठीक है दुख को एक्सप्रेस करने के लिए हम एलास का यूज करते हैं नेक्स्ट वन ओ का यूज हम कहा करते हैं ओ इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग पेन सरप्राइज प्लीडिंग ओके ओ का यूज हम करते हैं किसी भी दुख दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर कोई सरप्राइज है जो कि अचानक से हमने किसी चीज को देख लिया है ठीक है तो इन सारी चीजों के लिए हम ओ का यूज़ करते हैं नाउ द नेक्स्ट वन इज वओ वेर वी यूज़ वाओ वाओ का यूज़ हम कहाँ करते हैं वाओ इज़ यूज फॉर एक्सप्रेसिंग मिक्स्ड फीलिंग वाओ का यूज़ हम मिक्सड फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं लाइक मिक्स्ड फीलिंग ऑफ जॉय एंड सरप्राइज जब भी हमें जब हमें किसी चीज़ को देख खुशी होती है ठीक है इफ़ यू फील हैप्पी खुशी होती है और सरप्राइज भी होता है तो हम क्या बोलते हैं वाओ बोलते हैं ओके okay? मान लीजिए आपको किसी ने कोई चीज दिखाई ठीक है इफ एनी वन हैज शोन यू अ थिंग और वो आपको काफी अच्छी लग रही है वो चीज ओके सो व्हाट यू विल डू आप क्या करेंगे यू विल से वाओ आप वाओ ही कहेंगे ठीक है okay? ओके इफ इट इज गिवन ओवर ईयर व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज ओके इफ दिस इज अ सेंटेंस, अगर आप ये देखते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज आप ये बोलोगे कोई सीन आपने देख लिया है वो जो कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको तो आप क्या बोलेंगे कि वाओ आप आगे क्या राइट कर सकते हैं वाओ वाओ वॉट अ ब्यूटिफुल सीन इट इज ओके मीन्स आपको वो सीन देख करके अच्छा भी लग रहा है और आप उसे देख करके सरप्राइज भी हो जा रहे हो ठीक है दैट्स वाई यू कैन राइट वाओ विद दिस इससे आपको खुशी भी मिलती है अगर किसी चीज़ को देख कर आपको खुशी मिल रही है और आप सरप्राइज भी हो किसी चीज को देख कर तो उसके लिए हम वाव का यूज करते हैं ओके नेक्स्ट वन इज हे हे का यूज हम का करते हैं हे इज यूजर हे इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज एंड कॉल अटेंशन ओके हे का यूज आप किसी को कुछ बोल रहे हो ठीक है एक्सप्रेसिंग सरप्राइज अगर सरप्राइज हमें किसी चीज को देखकर सरप्राइज हो रहा है और हम कॉलिंग अटेंशन किसी को बुलाना चाह रहे हैं अपने पास ठीक है तो हम क्या बोलते हैं hey, हे हे लिसन टू मी मान लीजिए आपको ये कहना है तो हम इस तरीके से इसे बोल सकते हैं नेक्स्ट वेल नो वेर वी यूज वेल वेल का यूज हम कहाँ पे करते हैं वी यूज वेल फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज ठीक है वेल well का भी यूज हम सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं नेक्स्ट वन इज आउच आउच का uh, को हम कब राइट करते हैं आउच इज़ यूज फॉर एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग ऑफ पेन अगर आपको मीन्स हल्की सी चोट लग गई है तो आपके माउथ से सडन अचानक से क्या निकलता है आउच आउच वर्ड आपके माउथ से आता है ठीक है नेक्स्ट डियर डियर इज यूज टू एक्सप्रेस फॉर एक्सप्रेसिंग अफेक्शन किसी को सराह किसी की सराहना करनी है ठीक है किसी को अफेक्शनेट करना है तो हम किसका यूज करते हैं डियर का यूज करते हैं ओके यस इफ़ यू आर सेइंग ओ डियर ओ oh डियर अगर हम बोलते हैं ठीक है तो हम किसी की सराहना कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट हेलो वेयर वी यूज हेलो हेलो का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं हेलो इज़ यूज टू यूज फॉर एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग अगर किसी को किसी का स्वागत हम कर रहे हैं इफ़ वी आर ग्रीटिंग सम वन ठीक है तो हम क्या बोलते हैं हेलो ओके okay? जब हम किसी से मिलते हैं वेन एवर वी मीट टू एनी वन इफ़ वी आर मीटिंग टू एनी वन देन वॉट वी से हेलो ओके आफ्टर दैट वी से एनीथिंग एल्स जो भी हमें कहना होता है वो हम कहते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी से हेलो ओके टू ग्रीट समवन नेक्स्ट इज hush hush का यूज हम कहाँ करते हैं hush is used to tell somebody to be quiet अगर बहुत शोर हो रहा है तो क्या बोलते हैं hush किसी को चुप कराने के लिए ठीक है कुछ किसी को भी चुप कराने के लिए हम hush का यूज करते हैं ओके नेक्स्ट इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल इज यूज फॉर फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज इनक्रेडिबल का भी यूज हम सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं सो ऑल दीज वर्ड्स ऑल दीज वर्ड्स वर आवर प्रपोज इंटरजेक्शन ठीक है ये सारे वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन थे क्योंकि जब भी हमारे आ, अंदर से कोई भी सडन फीलिंग अचानक से किसी भी चीज़ को देख कर हमारे अंदर जो फीलिंग आती है अचानक से जो फीलिंग आती है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम प्रिपोजिश प्रिपोजिशन वर्ड्स का यूज़ करते हैं मीन्स जिन वर्ड्स को हम बोलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रिपोजिशन बोलते हैं सो नाउ लेट्स सी हियर इन सेंटेंसेस बिगनिंग विथ वॉट और हाउ टू एक्सप्रेस सरप्राइज और डिसबिलीव द मार्क ऑफ एक्सप्लामेशन कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ओके अब देखिए क्या होता है कि इन द सेंटेंस बिगनिंग विथ वर्ट और हाउ ठीक है जब भी कोई सेंटेंस वर्ट या फिर हाउ से शुरू होता है ठीक है कोई भी सेंटेंस हाउ या फिर वर्ड से स्टार्ट होता है और वो सरप्राइज या फिर डिसीव डिसबिलीव मीन्स विश्वास अविश्वास अगर उससे प्रकट होता है ठीक है अगर उस चीज को देख करके उस सेंटेंस को देख कर, कर सरप्राइज वाली फीलिंग आती है या डिसबिलीव वाली फीलिंग आती है विश्वास नहीं होता है तो द मार्क ऑफ द एक्सप्लामेशन कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस तो जो आपका एक्सप्लामेशन मार्क होता है जो मैंने आपको बताया ये वर्ड्स के बाद प्रपोजिशंस के बाद यूज किया गया है तो वो वर्ड आपका क्या होता है uh, वो एक्सप्लामेशन मार्क आपका लास्ट uh, में चला जाता है लाइक हियर इट इज सी द एग्जाम्पल हाउ काइंड ही इज सो हियर वी हैव नॉट यूज द एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे हमने कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज किया है एंड वी हैव नॉट यूज द इंटरजेक्शन ऑल्सो ठीक है सो हाउ काइंड ही इज और प्रपोजिशन इंटरजेक्शन uh, का मीन्स uh, के बाद जो हम साइन लगाते हैं एक्सप्लमेशन साइन वो हमने कहाँ पे राइट किया है at very last okay so in the second example also what a beautiful monument the Taz is here also what's your start hua that's why we have put the exclamation sign at last so with the most exclamatory sentences <coughs> with most exclamatory sentences beginning with what or how the verb कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बहुत से ऐसे एक्सप्लेमेटरी होते हैं ठीक है एंड ऑफ दस लाइक देखिए यहाँ पे इन द एग्जाम्पल इज गिवेन ओवर इयर हाउ हाउ काइंड इज तो इज आपका क्या है यहाँ पे इज इज ये कहा एकदम लास्ट में लिखा गया है नेक्स्ट वाला आपका व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट द ताज इज ठीक है तो ताज आपका बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है ठीक है ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है सो इज इज रिटन एट लास्ट द वर्ब इज रिटन एट लास्ट इस तरह के सेंटेंसेस अगर होते हैं तो हम वर्ब को एकदम लास्ट में राइट करते हैं